हेलो गाइस, मैं प्रीतेश, प्रीटेक मिनी प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं सोलर बस। ये ड्यूअल फंक्शनिंग वर्क करेगी, जब धूप में रहेगी तो सोलर पे चलेगी और जब छाव में रहेगी तो बैटरी पे वर्क करेगी। बैटरी जो है सोलर से चार्ज होगी, इसको एक्सटर्नल सप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैंने स्विच भी दिया है कि स्विच के जरिए इसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। गाइज, इसका मेन पार्ट है कि इसको बनाने में बहुत ही कम कॉस्ट आया है, 70 से 80 रुपये में ये प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो चुका है। अगर आप ऑनलाइन या किसी शॉप में जाके चेक करते हो तो इसका मिनिमम कॉस्ट 700 से 800 रुपये से स्टार्ट होती है। सो गाइज, आपके घर में बच्चे लोग हैं तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कैसे बनाते हैं। सो गाइज, वीडियो को स्किप ना कीजिए, अंत तक देखिए और अभी तक प्रीटेक मिनी प्रोजेक्ट को चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने प्लास्टिक कार्डबोर्ड एंड मोबाइल बॉक्स लिया है। सो फर्स्ट हम कार्डबोर्ड के ऊपर बॉक्स की साइज़ की मार्किंग करते हैं और उतना पार्ट हम लोग कट करते हैं। जो कट किया पार्ट है उसको बॉक्स के ऊपर लगा देते हैं और जो फ्रंट एंड बैक साइड है उसको भी मार्किंग के हिसाब से उतना पार्ट कट करते हैं। जितने भी पार्ट कट किए हैं उसको हम लोग ग्लू गन के हिसाब से बॉक्स के ऊपर फिक्स करते हैं। जो पूरा पार्ट फिक्स होने के बाद कुछ ऐसा लुक देखेगा बॉक्स का। सोलर पैनल के लिए हम लोगों ने ये पेज बनाया है। अगर आपके पास कोई पुरानी कार है तो उसके व्हील ले सकते हो, नहीं तो आप बॉटल के कैप या कोई ऑयल कैन के कैप ले सकते हो, पर ये थोड़े व्हील्स अच्छे दिख रहे हैं तो इसको लेते हैं। तो मोटर लगेगी, पुल्ली लगेगी छोटी, हम लोगों को साइकिल के स्पोक्स भी लगेंगे। इसके अंदर हम लोग व्हील फिक्स करने वाला है, दो एम्प्टी पेंट की बॉडी एंड कट करने के लिए कटर। तो हम लोग फर्स्टली इसको पेंट को बॉडी को कट करते हैं कटर के हिस्से, जितना हम लोगों को चाहिए उतना कट किया है। इसके बॉक्स के ऊपर फिक्स करते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको भी कट करते हैं। इसके अंदर जो बैक साइड है बस का वो फिक्स होने वाला है। तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी हम लोग कटर से कट करते हैं। सो ये पूरा हो गया है। अभी इसके अंदर रबर भी डालते हैं, रबर थोड़ा एक्स्ट्रा डालिए ताकि ये बार बार आपको कनेक्शन ना करना पड़े, निकालना ना पड़े, ताकि एक रबर टूट जाए तो थोड़ा बैकअप के लिए एक्स्ट्रा डालिए। नीचे का पूरा पार्ट है ये कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग ग्लू गन की हेल्प से इसको अभी फिक्स करते हैं। सोलर पैनल का जो बेस है इसको भी हम लोग फिक्स करते हैं एंड जो व्हील है इसको भी हम लोग टाइट करते हैं। अभी देख सकते हो ये चल रही है। अभी ये सभी पार्ट हो गया है, अभी अंदर का ही सिर्फ पार्ट बचा है। तो हम लोग अंदर के पार्ट में जो मोटर कनेक्शन है एंड सोलर पैनल कनेक्शन है वो करते हैं। तो अभी हम लोग पहले चेक करते हैं कि ये सोलर से कैसे मोटर करेगी चलेगी। तो हमने स्विच को ऑन किया तो मोटर चल रही है, मतलब सोलर पे मोटर वर्क कर रही है। ये जो रबर है इसको हम लोग ग्लू गन के हेल्प से फिक्स करते हैं ताकि जब ये मोटर चालू हो जाए तो इसके अंदर ये फंसे ना। मोटर का जो बेस है इसको भी फिक्स करते हैं एंड जो सोलर पैनल को हम लोगों ने डायवर्ट कनेक्ट किया ताकि रिवर्सली करंट से सोलर पैनल बर्न ना हो। तो अभी सोलर पैनल को हम लोग फिक्स करते हैं ऊपर एंड जो बाकी का पीछे का पार्ट है जो कनेक्शन का वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बैटरी को भी फिक्स करते हैं एंड जो मोटर है इसको भी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। जो सोलर पैनल बैटरी और मोटर का पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो पूरा सर्किट है मैंने सर्किट डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। अब ये जो रबर है पीछे वाले पुल्ली से ऊपर वाले पुल्ली में फिक्स करते हैं और स्विच के जरिए देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। देख सकते हो ये मोटर चल रही है, व्हील भी वर्क कर रहा है, कनेक्शन पूरा हो चुका है। तो अभी हम लोग इस बॉक्स को पैक करते हैं। और इसको थोड़ा डिज़ाइन दिया है बस जैसा लुक, जैसे आप चाहिए आप दे सकते हो, सिंपल ही रखा है इसको। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। जैसे मैंने बताया था ये कार ड्यूअल फंक्शन करेगी। अभी ये धूप में तो सोलर पैनल पे वर्क कर रही है और साइड बाय साइड बैटरी को चार्ज कर रही है
जैसे ये छाव में जाएगी बैटरी के ऊपर ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी, आप देख सकते हो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और गाइस अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये फ्री है। मैं हर बार आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता हूँ, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो चैनल ग्रो होगा, तो इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहूँगा और इसी तरह से चैनल को कंटिन्यू रख पाऊँगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो पूरा देखने के लिए गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।